हम पहुंच चुके हैं पवन पहाड़ी जी की शादी में। हल्दी का आज फंक्शन है और हम लोग अभी उनके रसोई में हैं चूल्हे पे, जहां पर आज दिन का लंच बनने वाला है। लंच पर रखा है झोली भात और आलू शिमला मिर्च और बीन की सब्जी है। और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि पहाड़ में किस तरीके से खाना बनाया जाता है रसोई में, और रसोई में धोती पहन के खाना बनाया जाता है। रसोई में चल रही है सब्जी की कटिंग। पाठक जी ये मैं झोल बने मट्ठा देखने दही और मट्ठा मिक्स कर बेसन जो मसाला बना है ये मसाला बड़ा है इसमें धनिया पाउडर हल्दी अच्छा और बड़ा हिलो दे के कस बना रहा। अच्छा पहली मिक्स कर ले तो पहले नवा गवक सारा नहीं फट जायो। और मट्ठा और की मिला रहा है मैं बेसन यो तीन आइटम में हल्दी तीनों आइटम मिलाए भी आपस में मसाला ये मिक्स कर लिया है। और अब ये डायरेक्ट जाएगा डेग में भुनेगा लाल मिर्च के साथ ना। अच्छा ये क्या तुम बनो ना रिफाइंड में बहुत बढ़िया। यो खिथिया लोहे में तेल बस उसमें प्याज ना चला तो ये बिना लहसुन प्याज का शुद्ध खाना बन रहा है। ये है हमारे पाठक जी और जो आज पवन भाई की शादी में महिला संगीत और दाव भात बनना जाओ। और हमारे पाठक जी स्पेस डिस्टेशन रत्ते महल सुनी की नाश्ता ले बहुत बढ़िया बना रहा है सीन वाला। आज हमारे हाथे छूट गो तो आज हम इन हाथों लंच करूँ और पाठक जी स्पेशली खान यो ही बनोनी गाँव में ढोत मेड़ खान बनोनी और झोई भात और टपकी बनो आज। अब यो लगा ले मैं तड़का तेल गर्म नहरे यो लग गो लाल मिर्च तड़क। और यो बहुत बढ़िया रेसिपी से जो आज इन बनून नहीं मेल ये के जिस तरीके बनून नहीं मेल देखिए आप फर्स्ट टाइम में देख रहा हूँ कि इसके बनूनी पहाड़ों में और यो बहुत ही बढ़िया टेस्ट होनी से आज। और यो खेती है मैं धनिया दान साबुत धनिया दान इन लोग पहाड़ा के होने यहाँ कहने पहाड़ा के। तो दोस्तों आज हम दिन में लंच करूँ काफ़ी लोग आ रही हैं बाहर बेटी रिश्तेदार लोग तो आज हम पहाड़ों खाना लीजिए बहुत उहरिया इच्छुक था मतलब। और अभी मैं पड़े मेथी पत्ता ने मेथी पत्ता अच्छा ये 80 आदमियों का खाना बन रहा है और ये बन रही है हमारी झोली। झोली में लगभग हमने आधा किलो तेल डाला हुआ है और 200 ग्राम के लगभग 200 ग्राम नहीं 50 ग्राम होगा ना 50 ग्राम मिर्च है और 100 ग्राम के लगभग धनिया के दाने ये के बढ़िया कर ब्राउन होन छो और धनिया दान तुम देखना चाह ब्राउन होने ही बहुत करे। और यो बाजा लकड़ा में ही बनना और यो डेगू के भैर पे पुताई कर रहा है झावनी लागो हो ताकि झावनी लागो ये में डेग काव न हो। और साथ में पाठक जी कितने ही में मेथी पत्ता और एक बहुत बढ़िया स्वाद हूँ झोई में। और कतु हो नैल पाठक जी हो पचास ग्राम लगभग में कड़ी पत्ता तो नहीं हुआ ही कड़ी पत्ता भी डालते हैं पर इन्होंने इसमें डाला हुआ है मेथी पत्ता। और यो खेती दोस्तों जो इन्होंने मसाला बना रखी है बहुत ही गजब झोई बनने से आज पहाड़ी स्टाइल में। और यो कैसे मिक्स कर रहा है मसाले में तुमको पहले दिखा रहा अब देखा और एक तुरंत हिलोन से पाठक जी ने फैट जाल बहुत बढ़िया खुशबू आ गया ये में है और बहुत बढ़िया आज झोल बने और ये झोली की घुटाई और इसको चलाते रहना है एक तरफ बिल्कुल। अगर यो थोड़ा देर लेके छड़ दिलाते ये में की है जाल डल है जाल ने पैन अलग है जाल दही अलग है जाल पाठक जी कतु साल है तो मुगे यो काम करते करते 26 साल है पाठक जी के ने बिल्कुल साल में लाखों होटल चला अच्छा ये बाद में जो लाइन में रहे अब यो सेवा तुम गांव वाला के दिन में सा और बिल्कुल है ट्रेडिशनल देखा तुम एक नूल थ्वेत थ्वेत साफ बिल्कुल इस तरीके लिन खान मनोनी। और मैंने बिना चप्पल हप्पल खोल बेर ये रसोई में आ रहा हूँ कोई टच ना कर सकन मैंने टच ना कर सकन ये सिर्फ धोत मेड़ी वाली टच कर सकनी मैंने बहुत दूर बैठी वीडियो शूट करना हूँ।
और दोस्तों यो हमारे पहाड़ कल्चर से और इसके हमारे पहाड़ों में लोग खान बनोनी हाँ बस बस इसको अगर किसी ने टच किया तो जनेऊ जिसने भी पहनी है वो लोग इसे नहीं खाएंगे, क्योंकि इसमें जनेऊ पहन के और धोती पहन के ही आना पड़ता है। रसोई में अलाव है ही नहीं किसी के लिए आना। यहाँ पर जो हमारे पाठक जी हैं वही जा सकते हैं। तो थोड़ा सी दया मिलो नसाई मैंने कैक जैसे गुरु जैसे और यो गुरु दे में फिटी दान जो धोई में आया पड़ल तो इतना अच्छा कलर झोली में आ चुका है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही पीली पीली सी झोली लग रही है और ये देखिए बहुत ही अच्छा टेक्सचर इन्होंने पाठक जी ने झोली में दिया हुआ है और खुशबू तो बहुत ही जोरदार आ रहा है पूरी रसोई में। एक घंटे पाको लियो आप यो एक घंटे ला पाको और जब तू एक पकाला वो तो स्वादिष्ट हो वो तो स्वादिष्ट हो ली। दोस्तों एक फाइनली बनवेल मैं तुमको देखाऊँ कि कैसी झोली बना रहा पाठक जी हमारा और खाएर में एक रिव्यू ला करूँ तो आप लोग ले इसके अपन घर में बना सकता जिसका पाठक जी बना रहा। जरूरी नहान कि आप लकड़ा में ही बनो। जिन लोगों के पास लकड़ियाँ नहीं है चूल्हा नहीं है तो गैस में भी बना सकते हैं। और ये थोड़ी दही पाठक जी ने इसमें और ऐड करा है ताकि ज़्यादा आदमी ना खाना बने, ज़्यादा आदमी भी हो जाएंगे और खट्टापन भी हल्का सा इसमें अच्छा रहता है। हो शुद्ध गधियाला पैन से में धारक है धारा पैन से धारक गुरु जैसे घर बहुत बढ़िया स्वाद अलग हो अब ये बनेगा खाली कोयलों में बनेगा। और ये भात इसमें में ये देखिए आप रेडी है एकदम वो अब जो है ये बनेगा भाप में पकेगा ना भाप में पाको और सिर्फ कोयलों में रखोगे इसको आप। ये झोली भात एकदम रेडी है दोस्तों झोलू में यो उबलने झोली और कम से कम एक घंटा इसको ही उबाल रहे हैं और भात भी एकदम रेडी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि ये कोयलों की आंच में अच्छी तरीके से पक जाए। ये हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। ये मिक्स वेज बनना है मिक्स वेज ये बनना है मिक्स वेज यहाँ ये झोली हमारी बन चुकी है और ये बनी है सब्जी टपकिया और ये बने हैं भात। ये पाठक जी ने रेडी कर दिया है। अब इसको हम चेक करेंगे कि कैसा बनाया है। चटनी खटाई आमे खटाई पहले खटा हाँ ये आमे खटाई चलो सब्जी डाल दूँ इसमें झोली भात और आम खड़े की खटाई और यो साग पवन भाई जो हल्दी में जो ये आइटम बना है ली हल्दी के हिसाब से हाँ ये हल्दी में हल्दी के फंक्शन के बाद जो लंच चल रहा है ये उसी के आइटम बने हुए हैं आज। भुनी हुई मर्च हरी मर्च और यो ककड़ अरे